हेलो एवरीवन, एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा पर। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो यूनिवर्सल उपाय कहे जाते हैं, जो इंसान अपने हॉरोस्कोप अपनी कुंडली को बिना ध्यान में रखते हुए उसे बिना देखते हुए इस टाइप के उपाय कर सकता है और इन उपायों से उसको बहुत इंस्टेंट, बहुत अच्छी जगह पर, बहुत अच्छी तरह से, जल्दी से अपने ग्रहों में बदलाव नजर आता है, ग्रहों में अपने जीवन में चारों तरफ उसको बदलाव नजर आता है। तो हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट्स को, एंड तक वीडियो ध्यान से देखिएगा। कुछ उपाय बता रहा हूं जो उपाय हम रेगुलर अगर अपनी लाइफ में करते हैं, कुछ कुछ समय पर करते हैं, तो उसके बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला उपाय, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ज्ञान की पुस्तकें, पूजा पाठ की किताबों को बांटते हैं, ठीक है। तो आप जैसे आपने कुछ सुंदरकांड की किताबें ले ली, ठीक है, हनुमान चालीसा की किताबें ले ली, 100 किताबें ले ली, आपने उनको बंटवा दिया, ठीक है, लोगों में। कोई भी एक ऐसी चीज जो इंसान कर्म के रूप में करता है और उससे लाखों हजारों की संख्या में लोग लाभ उठाते हैं, ठीक है, ये मेरा बेसिकली आज का टॉपिक है। तो पहला टॉपिक, सबसे पहले जो ज्ञान की किताबें होती हैं, पुस्तकें होती हैं, कुछ लोग मंदिरों में रखवाते हैं, लोगों को बांटते हैं, दान करते हैं एक एक करके लोगों को, फिर लोग उसको पढ़ते हैं। तो डायरेक्टली जो व्यक्ति इस तरह की चीजें करता है उसको बहुत बेनिफिट्स रहते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करता हूं मैं, आपने देखा होगा बहुत सारी लोग किताबों कॉपियों को बांटते हैं, किताबों के साथ साथ कॉपियां भी बांटते हैं जिसमें लिखा होता है राम 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 आप लिखें, ठीक है, आप ओम नमः शिवाय लिखें, इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो जो लोग बांटते हैं और लोग उनको लेके अपने घरों में पूजा करते हैं, उससे मतलब उसको लिख लिख करके पूरी कॉपी को फुलफिल करते हैं, भरते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत इंस्टेंटली इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। और जो इंसान इस तरह की चीजें बांटता है समाज में और वो चीजों को समाज इस्तेमाल करता है भगवान के नाम को लिख करके, तो दैट इज कॉल्ड अफर्मेशंस। बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तीसरी चीज, गर्मियों के मौसम में आप एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी जगह चुनकर एक प्याऊ लगवाते हैं अगर, जहां से पब्लिक का आवागमन बहुत ज्यादा होता है, पब्लिक का आना जाना बहुत होता है, और वहां पर आपके लगाए हुए प्याऊ से बहुत सारे लोग जल ग्रहण करते हैं, दैट्स टोटली एक्सीलेंट फॉर योर हॉरोस्कोप, फॉर योर फ्यूचर लाइफ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इस चीज के। तो जो गर्मियां हैं, ऊपर से प्याऊ लगवा रहे हो, लोग जब उससे पानी पीते हैं, जल ग्रहण करते हैं, तो उनको एक बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, और जो सेटिस्फैक्शन मिलती है तो वही सेटिस्फैक्शन आगे जाकर एफर्मेशंस बनती हैं, और वही एफर्मेशंस आपको एक तरह से दुआ देती हैं, ठीक है। एफर्मेशंस इज जस्ट रिलेटेड टू दुआ, तो एफर्मेशंस हमारी लाइफ को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, ठीक है। पेड़ लगाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, आप नीम का पेड़ लगाते हो, उससे लाखों लोग फायदा उठाते हैं। नीम हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, लोग उससे फायदा उठाते हैं, उसका फल यूज करते हैं, उससे छांव लेते हैं वृक्ष से, मतलब नीम जस्ट रिलेटेड टू मेडिकेटिव प्लांट, औषधीय गुणों से भरपूर एक पेड़ का नाम नीम होता है। इस तरह से बहुत सारे और भी पेड़ होते हैं, ठीक है, आम का पेड़। तो अगर आप पेड़ लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, और हजारों लोग अलग अलग तरीके से उस पेड़ से लाभ लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। पांचवा पॉइंट, शमशान में जो वैसी बॉडीज होती हैं जिनका कोई नहीं होता, जिनको जलाया जाता है, ठीक है, तो उनको लकड़ियां और सामग्री में जैसे घी और जो भी सामग्रियां होती हैं प्लस लकड़ी, इस तरह के लिए आप लावारिस जो भी बॉडीज होती हैं उनके दान के रूप में, उनके प्रति एक दान के रूप में, अगर आप शमशान में जाकर, वहां बहुत सारे लोग इस उपाय को भी करते हैं, इस तरह से आप देते हैं लावारिस बॉडीज के लिए, तो ये बहुत नेक काम है, और जिससे आपके सीधा सीधा प्लैनेट्स, आपके ग्रह, आपका जीवन, आपका लाइफस्टाइल, काफी सारी चीजें इसके साथ कनेक्टेड होती हैं और इनसे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, जो लोग कन्या दान करते हैं, कन्याओं का विवाह कराते हैं, गरीब कन्याओं को शादी में बहुत सहायता प्रदान करते हैं, इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेथड टू क्योर अवर होल प्लैनेट्स। अगर आप कन्या का विवाह कराते हैं एज अ
एक कन्यादान करते हैं, उनको सहायता करते हैं। तो कन्या इज इक्वल टू नेचर, कन्या प्रकृति, प्रकृति ये दुनिया, और प्रकृति को आप दुर्गा जी किसी भी एक हाई ब्रीड लेवल गॉडेस के रूप में पूजा करते हैं, उनको पूजते हैं, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से किसी की सहायता करते हैं तो ये भी आपकी लाइफस्टाइल को पूरा हद तक बदलने में बहुत बड़ा कारगर कदम होता है, ठीक है। बाल आश्रम, दिव्यांग आश्रम और अपाहिज लोगों को या कोढ़ियों का आश्रम, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। वृद्ध आश्रम, ठीक है, जहां बड़े बूढ़े रहते हैं। बाल आश्रम, जहां पर अनाथ बच्चे रहते हैं। दिव्यांग आश्रम, जहां पर अंधे बच्चे रहते हैं, लोग रहते हैं। और आखिरी में अपाहिज आश्रम, जिसमें कोढ़ी लोग रहते हैं या साथ में जिनके अपाहिज जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं। इन जगहों पर जाकर, ठीक है, आप कोई भी चीज कैश में मत लेके जाइए, आप कोई भी चीज कोई काइंड ऑफ लेके जाइए, आपने कोई सामान खरीद लिया यहां पर, ठीक है। तो इस टाइप के फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं किसी भी टाइप से, तो इन चार पांच जगहों पर दान करने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में चेंजेस हमेशा से आते आए हैं और हमेशा आते रहेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। मंदिरों में कुछ लोग आयोजन करवाते हैं, मंदिरों में कुछ लोग आयोजन करवाते हैं, जैसे भगवत गीता का, भागवत का, ठीक है, इस तरह की कोई पुराण का, वेदों का पाठ। अब आप एक बात समझिए, इसके पीछे साइंटिफिक क्या होता है। जैसे आपने कोई भागवत करवाई, ठीक है, या शिव महापुराण कराया सावन के दिनों में, ठीक है, भागवत कराई और गीता कराई, रामचरितमानस कराई, सुंदरकांड कराई, कोई भी चीज आपने कराई जस्ट रिलेटेड टू अवर स्पिरिचुअल अध्यात्म, उसको सुनने के लिए लोग आएंगे। जब उसको सुनने के लिए लोग आएंगे तो लोगों को काफी शांति मिलेगी और लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। जब वो फील अच्छा होगा और जब वो अपने अपने घर जाएंगे और जब उनको अच्छी फीलिंग होगी, तो जब अच्छी फीलिंग होती है तो फीलिंग से दुआ निकलती है, दुआ एफर्मेशंस बनके साइंटिफिक तरीके से ब्रह्मांड में जाती है, और इस चीज को कराने वाला व्यक्ति काफी सारे तरह के लाभ अपने जीवन में प्राप्त करता है। ये पूरा साइंस है, ठीक है। अगला पॉइंट, जैसे कोई भी धार्मिक स्थल है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, कोई भी पूजा की जगह है, अगर वो बन नहीं पा रही है किसी पैसे के कारण से या किसी और कारण से, तो आप सहायता कर सकते हैं उस चीज में, ठीक है। आप उस जगह को बनवाने में अपना दान कर सकते हैं, और वो दान हमेशा गुप्त दान किया जाता है, क्योंकि गुप्त दान बहुत जल्दी असर करता है। गुप्त दान के पीछे साइंस क्या कहती है, लोगों को पता नहीं है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं उनके साथ। गुप्त दान इसीलिए गुप्त दान कहलाता है और इसीलिए उसकी ताकत हजार गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप कोई दान करते हो तो लोगों को पता चलता है आपके मुंह से, ठीक है, या कहीं से भी, तो वो जो दान का इफेक्ट होता है, ठीक है, तो दान का जो प्रभाव होता है वो धीरे धीरे जाता रहता है, क्योंकि हम सोचते हैं हमने दान किया, फिर हम मन में भी सोचते हैं, लोगों को भी बताते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक वो हो जाता है, एक कॉन्फिडेंट हो जाता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंट खराब होता है, ठीक है। तो वही जो कॉन्फिडेंट खराब वे में गलत तरीके से हमारे दिमाग में आता है, वो ही आगे जाकर उस चीज को लो कर देता है, उसका प्रभाव घटा देता है। तो दान हमेशा गुप्त दान सबसे बड़ी महिमा बताई है हमारे शास्त्रों में, ठीक है, हमारे वेदों में। अगला पॉइंट, जो आपके घरों में नौकर चाकर या जो मजदूर होते हैं सड़कों पर या इधर उधर, आप उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, ठीक है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, उनके बच्चों की शादियां, इस तरह से अगर आप कोई दान की चीज करते हैं, उनको स्टेशनरी छोटी छोटी, उनके स्कूल का बैग दे दिया आपने, उनको जो भी चीजों की जरूरत है, किताबें दिला दी, तो दीज ऑल थिंग्स आर जस्ट कनेक्टेड टू यूनिवर्स। ये मैंने आपको सारी जो चीजें बताई इसका एक ही लाइन में निचोड़ बता देता हूं। जब हम प्रकृति के लिए कुछ करते हैं तो प्रकृति हमें उसको रिवर्ट बैक देती है, ठीक है। जब हम प्रकृति के लिए कुछ करते हैं तो प्रकृति बदले में हमारे लिए करती है, और दीज ऑल पॉइंट्स इज जस्ट कनेक्टेड टू अवर नेचर, ठीक है। इन उपायों से खाली ग्रह ही नहीं बदलते, इन उपायों से पूरी जीवन और जीवन के बाद का जो पूरा प्रोसेस होता है, जिसे जन्म और मरण के बाद का वक्त कहा जाता है, जिसे पुनर्जन्म, नया जन्म,
इस तरह का बोला जाता है। तो इनसे हमारे जो बच्चे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमारे जो बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हैं, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, ठीक है, तो सारी जनरेशंस को एक एक करके इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये पूरा साइंटिफिक है। इस तरह से जो मैंने उपाय आपके संग डिस्कस किए, इस तरह से हम कोई भी उपाय या सारे उपाय धीरे धीरे करके अपने जीवन में कर सकते हैं, जिससे हमें एज अ ह्यूमैनिज्म और एज अ प्लैनेटरी पोजीशंस और एज अ साइंटिफिक हर एंगल से हमें इससे बेनिफिट्स 100% मिलते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो शेयर कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर दीजिए, एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा यूट्यूब पर। बहुत जल्द आता हूँ एक एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ, तब तक आप सब लोगों को जय गुरुदेव, जय माता दी।